तब यहाँ का रास्ता ही कुछ ऐसा है गाइस, मतलब दिन में डर लगता है, देख सकते हैं गाइस एकदम। मतलब डॉविल का स्टोरी क्या है मेरे को आज तक समझ में नहीं आया। मतलब कुछ लोग बोलते हैं कि मोस्ट हॉन्टेड है, देखिए पुराना घर यहाँ पर, और कोई भी लोग यहाँ से आना जाना नहीं करता है, सिर्फ एक ही आदमी मेरे को दिखा अभी तक। भयानक वाला रास्ता है गाइस। सो गाइज मैं पहुंच गया फाइनली दिलाराम, और बारिश थोड़ा थोड़ा अभी भी आ रहा है, और मैंने गोप्रो का जो प्लास्टिक वो निकाल दिया। और आप ये सीधा रूट जाएंगे तो रोहिणी होगी सिलगुड़ी, और मैं जाऊंगा चिमली डॉविल होके, तो मेरे को लेना पड़ेगा यहाँ से लिफ्ट। ऑलराइट गाइस, तो चलते हैं गाइस। सो गाइस ये रोड ना काफी सही है, काफी सही है। तो गाइस चलते हैं चिमली और डॉविल होके सिलगुड़ी, लेट्स गो। सो गाइस रोड का नजारा चेक करें, काफी तगड़ा। और आप यही रोड होके सीटोंग भी जा सकते हैं, काफी थोड़ा बहुत खराब है रोड, लेकिन कोई नहीं, राइड का मजा इसमें ही है। क्या बोलता है, किसको बोल रहा हूँ मैं? आप लोगों को बोल रहा हूँ गाइस, कमेंट करके बताइए। काफी सही लगता है मेरे को ये रोड, क्या नजारा है, ना 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 है। ज्यादा एक्साइटमेंट मत हो यार, गाड़ी वाड़ी आता है, थोड़ा ध्यान से भाई। और गाइस यहाँ पर ना लेपट वगैरह ज्यादा है, तो संभल के चलना पड़ता है। दिल मेरा ले गया लूट के, चोरी चोरी चुपके चुपके। मोटो व्लॉगिंग करते करते गाना वाना गाना काफी सही लगता है यार। सो गाइस धीरे धीरे बारिश तेज होने लगा है, फिर भी आप लोगों के लिए मैं व्लॉग बना रहा हूँ, तो प्लीज गाइस लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना। सामने जा रहा है एंटॉर्क, देख सकते हैं नजारा, मतलब हॉन्टेड लग रहा है एकदम जगह देखना, मतलब एक मतलब हॉन्टेड मूवी का शूटिंग होता है ना। देखिए मैं थोड़ा रोकता हूँ यहाँ पर, हाँ ये चेक करेगा इस, क्या लग रहा है ना। सो नजारा चेक करेगा, ऐसे एक हॉन्टेड मूवी का शूटिंग होता है ना, वैसे लोकेशन लग रहा है, देखिए काफी सही है यार। तो गाइस यहाँ पर तीन रास्ता है, ठीक है, आप सीधा जाएंगे तो सीटोंग, इधर चटकपुर, और इधर से डॉविल, ओके करशियोंग, तो हम लेंगे राइट क्योंकि हम लोग को करशियोंग जाना है। सो लेट्स गो। सो यहाँ से चलते हैं हम लोग करशियोंग की तरफ। थोड़ा आगे आके गाइस यहाँ पर भी दो रास्ता मिलेगा, ठीक है,
अगर आप इधर से जाएंगे तो सीधा हनुमान जी का स्टेच्यू होते हुए सीधा निकलेंगे गिद्धेपहाड़, और वहाँ से आप मेन रोड भी आ सकते हैं और रोहिणी होके भी आ सकते हैं। अगर आप इधर से जाएंगे तो हम लोग को करशंग मिलेगा, 10 किलोमीटर्स है यहाँ से डिस्टेंस, डाउहिल है 6.5 किलोमीटर, जो चिमली हेरिटेज टी गार्डन है वो है 2 किलोमीटर, तो हम लोग को चिमली भी जाना है, तो इधर से चलते गाइस। सो लेट्स गो। और गाइस ये रोड का ना बात ही कुछ अलग है यार, एकदम शांत, कोई ट्रैफिक नहीं, कुछ नहीं, आराम से एकदम पीसफुल राइड करो, कोई दिक्कत नहीं। और नज़ारा तो आप देख ही सकते हैं कितना प्यारा है। सो गाइस, चिमनी से थोड़ा ऊपर में एक प्यारा सा गांव बसा हुआ है, यहाँ पर खेती बाड़ी भी बहुत होता है, और मूला का टाइम में ना मूला भी काफ़ी लगता है यहाँ पर, जैसे ऊपर में देख सकते सब बगान है, तो कुछ ना कुछ यहाँ पर खेती बाड़ी होता ही रहता है, और यहाँ का जो सब्जी होता है प्योर एकदम ऑर्गेनिक। गाइस मैं जस्ट पहुँचा चिमनी हेरिटेज गार्डन, और मौसम देखिए यार एकदम बेकार हुआ। सो चलते हैं अंदर और मैं दिखाता हूँ आपको, और कुछ चिमनी के बारे में बातचीत करते, पहले मैं बाइक को प्लेस कर देता हूँ साइड पर। ऑल राइट, ₹20 ओनली। पानी देखो कस्तो भएको छ दिन है। सो गाइज देख सकते हैं ये चिमनी हेरिटेज गार्डन, और अगर मौसम सही रहता ना तो काफ़ी खूबसूरत यहाँ पर दिखाई देता है, लेकिन अब देखिए मौसम, देखिए वहाँ पर चीता यहाँ पर है चीता। सो गाइस ये है चिमनी, ये बना था 1839 पर। सो अगर मौसम सही रहने से ना काफ़ी खूबसूरत दिखाई देता है, और देखिए मौसम आप खुद देख सकते हैं एकदम बेकार है। तो कैसे अभी यहाँ से निकलते, अगर मौसम सही होता, धूप खिला होता, तो थोड़ा बैठ के मज़ा लेता ये पार्क का, लेकिन ख़त्म हो गया दिन ही कुछ ऐसा, मतलब क्या बताए। काफ़ी खूबसूरत पार्क है, लेकिन ये जब मौसम सही रहता ना तो काफ़ी अच्छा दिखाई देता है, लेकिन अब कोई फ़ायदा नहीं, मौसम ही एकदम बेकार है। बालू भी यहाँ पर, बालू 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 बालू। सो गाइस निकलते हैं अभी, और CBR यहाँ पर। सो अभी गाइस मैं GoPro को कवर करूँगा क्योंकि बारिश देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा आ रहा है। A few moments later. सो गाइस अभी जस्ट बारिश थोड़ा सा थमा है, और यहाँ पर दो रास्ता मिलेगा, आप राइट जाएंगे तो करशंग टाउन, अगर आप लेफ्ट जाएंगे तो डाउहिल होके करशंग टाउन, तो हमको डाउहिल जाना है, तो चलिए यहाँ से चलते। आप जो चिमनी से एक ऊपर रास्ता आता है वहाँ से भी जा सकते हैं, लेकिन वो रास्ता बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, तो मैंने सोचा क्यों ना यहाँ से चला जाए। देखिए पुराना घर यहाँ पर, और कोई भी लोग यहाँ से आना जाना नहीं करता है, मतलब डाउहिल का स्टोरी क्या है मेरे को आज तक समझ में नहीं आया, मतलब कुछ लोग बोलते हैं कि मोस्ट हॉन्टेड है, और यहाँ का लोग को पूछता है तो बोलता है ना कोई अफवाह फैलाया है। सिर्फ एक ही आदमी मेरे को दिखा अभी तक, ऑलराइट। मतलब यहाँ का रास्ता ही कुछ ऐसा है गाइस, मतलब दिन में ही डर लगता है, देख सकते हैं गाइस एकदम। भयानक वाला रास्ता है गाइस। सो डाउहिल का जो मेन पार्ट है ना, मेरे को ये देखे क्या लगता है एकदम, क्या सही लगता है ये जगह मेरे को। इससे पहले बार भी यहाँ पर RX लेके मैं आ चुका हूँ, लेकिन उस टाइम ना ऑडियो का कुछ इशू था,
ठीक से ऑडियो नहीं आया था। चर्चमा जान दिँदैन पाँच दिन थियो है पस्नु माथि खै थाहा भएन नि त्यो गार्ड हुन्छ अहिले एकपल्ट सोधिहाल्छु है दियो भने माथिपट्टि छ र जाने तल सिधा गएर ए सिधा गएर यसो उकालो चढ्नुपर्छ अलिकति है यस्तो गएर उकालो तर उकालो जानु हुँदैन होला ल दिँदैन होला म ट्राई गरिहाल्छु है ल थ्याङ्क यू भाइ। सो भाई लोग बोल रहा है कि चर्च में जाने नहीं देगा, इससे पहली बार भी जब मैं आया था चर्च में जाने नहीं दिया था, तो आज देखते गाइस अगर मौका मिला तो ज़रूर जाएंगे चर्च के अंदर, वीडियो बनाएंगे। मौसम देखिए काफ़ी स्कैरी टाइप का लग रहा है, रोड भी हो सही है। यहाँ से तो मेरे को मालूम है चर्च माथि जान दिन्छ दिँदैन उपरमा जाने नै दे रहे ऊ यहाँ चर्चसम्म गएर आउँदा हुँदैन स्कुल खुल्ला छ होला नि त अहिले है स्कुल खुल्ला छ होला नि त ल ल त्यसो भए थ्याङ्क यू। सो गाइज ब्याड लक, मतलब चर्चमा जाने का मन था लेकिन नहीं दिए और जबरदस्ती करना ठीक नहीं है। भाई लोग ने ठीक ही बोला था कि जाने नहीं देगा बोल के देना नहीं स्कूल खुलाइस भन्दै थियो अहिले विन्टरमा चाहिँ दिन्छ है झमेला भयो नि त कि यहाँनिर अलि के भयो त्यो कुकुरले न्यूहरू खोजेर गरे नि त ल थ्याङ्क यू भाइ। सो भाइ लोग बोल रहा है कुछ लफड़ा हुआ था ऊपर में तो इसके कारण अभी जाने नहीं दे रहा है। बैड लक। तो चलते हैं गाइस अभी सिलीगुड़ी की तरफ रोहिणी रोड होके चला जाता हूँ किसी के धुन में धड़कते दिल के तराने लिए मिलन की मस्ती भरी आंखों में है मिलन की मस्ती भरी आंखों में चला जाता हूँ किसी के धुन में धड़कते दिल के तराने लिए पर पा 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 ठीक है। तो नज़ारा चेक करेगा इसे क्या लग रहा है यहाँ से एकदम पूरा वेदर क्लियर हो गया। सो चेक दिस आउट गाइस, नीचे है क्रशिंग स्टेशन वहां पर दिख रहा है, ऊपर में जो बादल से ढका हुआ है वहां ईगल क्रैक। सो चलते हैं अभी जस्ट पहुंच ही गए। जु भाइ जु सो यहाँ से लेफ्ट ये रेलवे ट्रैक में ना थोड़ा सा बच के चलना पड़ेगा। सो गाइस चेक करें शाम का नज़ारा, रोहिणी रोड काफ़ी खूबसूरत लग रहा है और ऊपर में तो काफ़ी फॉग था इसलिए मैंने शूट नहीं किया क्योंकि एकदम बेकार मौसम था और यहाँ पर फॉग नहीं है। आई होप आप लोगों को अच्छा दिखाई दे रहा होगा। लेकिन एक बात है गाइस, मैं सोनादा से डाविल होके चिमली होके अभी रोहिणी रोड टोल टैक्स पहुँचने वाला हूँ लेकिन ये बाइक में बैक पेन जैसा कुछ मेरे को फील नहीं हुआ और राइडिंग पोस्चर काफ़ी सही है CBR का, इसलिए इसको मैंने चुना था। सो यहाँ पर है टोल टैक्स और साइड से कल्टी मार लेते हैं। वैलेंटिनो रोसी मां मार्केस सामने जा रहा है अराउंड 5 यहाँ है CBR।
सो मोटो जीपी में ना दोनों का एकदम टक्कर होता है, होंडा और यामा का। सो काफ़ी सही है मगर। सो गाइस आज का व्लॉग इतना ही था, आई होप आप लोग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग पर, अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राइड सेफ गाइस।